आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज हम आपको ऐसे पत्तों के बारे में बता रहे हैं जो कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है, इन्फेक्शन को बचाता है, डेंगू में रामबाण की दवा है, पीरियड्स के दर्द को दूर करता है और खून की कमी में भी लाभदायक होता है। इसका नाम है पपीते के पत्ते। जी हाँ, पपीता खाने के ढेरों फायदे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके पत्तों का जूस पिया है? अगर पिया है तो ठीक, और नहीं पिया तो पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पपीता खाने के साथ ही इसके पत्तों का जूस पीने से कई तरह की बड़ी बीमारियों को मात दी जा सकती है। वैसे तो ज्यादातर डेंगू और चिकनगुनिया के रोगियों को इसका जूस पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप ताउम्र स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल करें, फिर आप देखेंगे कि आप कैसे रहते हैं चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। आइए पत्तों के अब कुछ स्वास्थ्य लाभ और औषधीय फायदों के बारे में जान लेते हैं। नंबर एक, कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकता है। पपीते के पत्तों में कैंसर रोधी गुण होते हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं और सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जैसे कैंसर के सेल्स को बनने से रोकते हैं। नंबर दो, इन्फेक्शन से बचाता है। शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ ही पपीते के पत्तों का जूस शरीर में बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकने में भी सहायक है। ये खून में व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। नंबर तीन, डेंगू की रामबाण दवा है। डेंगू और मलेरिया से लड़ने में पपीते की पत्तियों का जूस काफी लाभकारी होता है। ये बुखार की वजह से गिरती प्लेटलेट्स को बढ़ाने और शरीर में कमजोरी को बढ़ने से रोकता है। नंबर चार, पीरियड्स के दर्द को दूर करता है। पीरियड्स में होने वाला दर्द बहुत जानलेवा होता है और ऐसे में अगर पपीते की पत्ती को इमली, नमक और एक ग्लास पानी के साथ मिलाकर काढ़ा बनाया जाए और इसे ठंडा करके पिया जाए तो बहुत आराम मिलता है। नंबर पाँच, किसी भी तरह की खून की कमी है तो उसमें बहुत लाभदायक होते हैं पपीते के पत्ते, क्योंकि पपीते के पत्ते औषधि से कम नहीं हैं और इसका रस, वाह माशाल्लाह। अगर आपकी ब्लड प्लेटलेट्स कम हो रही हैं तो इसे पीने से ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। बस रोजाना इस जूस को 2 चम्मच लगभग 3 महीने तक आप पिए, आप देखेंगे कि आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो बढ़ गई हैं, आपके खून में किसी तरह की कमी है तो वो ठीक हो गई है और खून की कमी हमेशा के लिए सही हो जाएगी। दोस्तों आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।